वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालना चाहो, या फिर जो कपड़े डले हुए हैं बालकनी में उसे निकालना चाहो, अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड टाइमिंग। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे हो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है, दैट हाउ डू यू मैनेज कुकिंग अलोन इस घर में, बैचलर लाइफ में कैसे खुद से मैनेज करना कुकिंग एंड एवरीथिंग। तो यू कैन सी कि अभी मैंने चेंज भी नहीं किया, तो मैं आपको बिल्कुल रॉ फीलिंग दिखाने वाला हूँ, कैसे हम लोग आते हैं घर और हाउ डज इट वर्कआउट फॉर मी। सो इट्स बेसिकली आई एम शेयरिंग यू माई एक्सपीरियंस, जिससे आप लर्न कर पाओगे कि कैसे कुकिंग मैनेजेबल होता है। ठीक है, सारी चीज़ बताऊंगा। मैं तीनों टाइम का खाना खुद से ही बना के खाता हूँ, इनफैक्ट मैं टिफिन भी लेके जाता हूँ बना करके ऑफिस। तो यू विल गेट इट, यू विल गेट द हुक। तो पहले देखो, मैंने चेंज नहीं किया, तो चेंज कर लेते हैं एंड वी विल कंटिन्यू। और अभी बज रहे हैं अराउंड 7:40 बज रहा है, तो उस हिसाब से समझना कैसे सारा काम मैनेज हो जाएगा एंड बहुत टाइम हमारा नहीं जाएगा, क्योंकि आप अकेले हो एंड आपको बाकी चीज़ें भी करनी है, राइट? वेलकम बैक। कपड़े बदल लिया मैंने और अभी हम खाएंगे पाइनएप्पल। और ये सुबह में मैंने पनीर ओट्स बनाया था, थोड़ा बचा हुआ वो अभी खा लेंगे। तो अब एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले मैं डिनर में क्या बनाने वाला हूँ मैं बता देता हूँ। मैं बनाऊँगा दलिया, और आपको क्या बनाना है वो आप पे डिपेंड करेगा। देखो, जब आप अकेले रहते हो ना, तो बस खाना पकाना इज़ नॉट द ओनली चैलेंज। ठीक है, खाना आपको पकाना है, खाना के लिए जो इन्वेंट्री होती है, मतलब आपको सब्जियां लाना या फिर नॉनवेज सामान लाना या पनीर लाना, इसको लाना, ये ख़राब होने से पहले इनको पका लेना, ऑल दिस थिंग यू हैव टू मैनेज, और उस पर दिमाग पे बर्डन पड़ता है। तो आपको ना कंसिस्टेंट रखना है, आपका कम से कम एक टाइम का या दो टाइम का खाना तो आपको एकदम कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। जिस तरीके से मैं ओट्स और दलिया पे काफ़ी डिपेंड करता हूँ, कि मतलब कुछ नहीं आया तो नो ब्रेनर ये बना लो, ऐसा नहीं कि हम रोटी नहीं बनाएंगे या फिर हम बिरयानी नहीं बनाएंगे या बाकी चीज़ें नहीं करेंगे, पर आपको कुछ चीज़ें एकदम फिक्स करना होगा कि जहाँ पे आप उलझे हुए हो, आपका कुछ अलग प्लान है, पर आप ये तो कर लो, तभी हम लोग इसको खा लेंगे। और जैसे मैं एक आपको और इसके साथ रिलेट कर पाऊँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं DSA का अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सो डैट आई कैन स्विच। ठीक है, तो बहुत कोई रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से, तो इस बीच में आप कैसे करें? और यार, ये कोई ना ये नहीं, आप पहली बार आए हो, आपके पास बहुत ज़्यादा कुकिंग नॉलेज नहीं है, तो पहले बात तो ये चीज़ मैं जो बना रहा हूँ इसके लिए ज़्यादा कुकिंग नॉलेज चाहिए नहीं, बट अगर नहीं है और आप उससे नहीं हैंडल हो रहा है, तो आप एक टाइम के लिए कुक रख लो, या एक टाइम के लिए टिफिन रख लो, एक टाइम का बनाओ। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही बार या बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना है, या फिर आपको सब कुछ आता भी है तब भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम एक ही बार बनाना है, नहीं, हम लोग को सब कुछ करना है ना, सारे काम करना है। तो अगर हम लोग से नहीं हो पाता तो हम लोग थोड़ा हेल्प ले लेंगे यार, जैसे लाइक मैं बर्तन धोता हूँ अपने खाने वाले बर्तन, लेकिन जो कुकिंग वाले बर्तन के लिए मैंने मेरी मेड हेल्प करती है, मेरा वो कुक धो करके जाती है, क्योंकि मेरे से शायद नहीं मैनेज हो पा रहा था, तो फिर आई टुक द हेल्प। उसी तरीके से आपको डिसाइड करना है कि किस चीज़ के लिए आपको हेल्प की ज़रूरत है। हाय, वेलकम टू माई किचन। एंड देखो, चैलेंज सिर्फ पकाना नहीं है, हमें जल्दी पकाना है, मेस कम करना है, और न्यूट्रिशन भी कंप्लीट करना है। तो मैंने जैसे दिखाया कि मैंने सुबह में ओट्स और पनीर खा लिया था, अभी मैं दोबारा पनीर बनाऊंगा तो डेयरी इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, विच कैन लीड टू ब्लोटिंग। तो प्रोटीन भी पूरा करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अंडा दलिया बनाऊंगा। तो हम लोग लेंगे सॉस पैन, सुबह दूध गिरा यार, इससे पता है हमें ये सब चैलेंज को भी फेस करना पड़ता है, कि आप ऑफिस के लिए रेडी हो गए और सडनली दूध ही गिर गया, फिर उसको धो, फूड बर्बाद हो, वो अलग। एनीवे, तो इसको चढ़ा देते हैं। जो भी, ये कोई कुकिंग वीडियो नहीं, इट्स जस्ट कि हाउ डू यू मैनेज, दैट्स द मेन क्वेश्चन, राइट? तो 3 अंडा रखते हैं, 6 या 18 ग्राम मिल जाएगा इससे हमें। तो सेम, हमें जल्दी पकाना है, यानी कि हमें 20 मिनट के अंदर अपना मील रेडी करना है, सो डैट हम लोग बाकी चीजें कर पाए। जैसे मैंने बताया मुझे DSA का प्रिपरेशन करना है अभी। शिट यार, गिरते गिरते बचाइए। तो ये है दलिया, टाइम कम रहता तो फिर आई कुक दिस ओनली। अब देखो, आप लोग देख रहे होगे ये सब इतनी सारी चीजें पकी हुई हैं, तो ये मेरा नहीं है, तुम लोग सोचोगे यार को दलिया दिखा करके खुद पता नहीं क्या क्या खा रहा है, बट द थिंग इज यार, वो एक्चुअली रूममेट्स का है।
और आपको ये चीज समझना होगा कि अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल एंड योर नीड्स यू हैव टू मैनेज ऑल दोस थिंग्स. ये कोई हसल नहीं है कि सारे कुकिंग खुद से करना है. अर्लियर आई यूज टू गेट हेल्प फ्रॉम माई कुक एटलीस्ट एक टाइम के लिए, बट अभी आई डू इट अलोन क्योंकि हो जा रहा है. और मेरे साथ एक चैलेंज भी है कि आई कैन नॉट ईट स्पाइसी फूड, तो मेरे वजह से बाकी लोग अपना टेस्ट बर्ड को एडजस्ट कब तक करेंगे, समझ रहे हो ना. इट्स बेटर कि खुद से ही पका लें. हाँ तो देख लो, दलिया का सिंपल सा है मेरा यार, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ. जैसे अंडा बॉयल हो रहा है ना, वो तो हो गया, अब ये दलिया है. तो मुझे एक अंदाजा है कि मैं अप्रोक्स 70-80 ग्राम खाता हूँ एक टाइम पे. अभी आपकी बॉडी पे कि आप कितना खाओगे, हालांकि उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी. तो इसे हम लोग डाल देंगे. हाँ अगर वेइंग स्केल रखा करो यार, क्योंकि आप इस टाइप के खाना खा रहे हो ना तो आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कम कर दोगे तो प्रॉब्लम होगा, आपको अचानक से रात में भूख लगेगा, दिक्कत होगा. तो वेइंग स्केल रखो एंड गेट ए गुड मेजरमेंट कि आप कितना इनटेक कर रहे हो, क्या प्रोटीन है, क्या मैक्रोज है. ये तो कमजोरी भी हो सकती है. आओ करो, तुम भी करो. लेना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता. ला एंटिल तुमको नहीं आना वीडियो में. तो भाई कितना अड़बड़ा के पी रहा है. ओके कमिंग बैक, दलिया का मेरा सिंपल है यार. इसे पहले थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं, और रोस्ट करने के लिए यू कैन यूज सम काइंड ऑफ ऑयल आल्सो, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो सकता है या घी हो सकता है. बट अभी राइट नाउ आई एम डूइंग ड्राई रोस्टिंग, तो इट्स अप टू यू कि आप क्या अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख लो. बहुत ज्यादा इजी होता है यार ये. तुम लोग सोच रहे हो ये तो यार बात ही कर रहा, कुछ तो ऐसा बता रहा नहीं कि कैसे कुक करना क्या करना है. तो दैट्स द पॉइंट, कुकिंग वीडियो बहुत सारी है यूट्यूब पे, आपको मैं बस दिखा रहा हूँ कि हाउ डू आई मैनेज इट, और कुछ नहीं. एक दो और टिप्स देता हूँ, अगर आप पहली बार किचन में आ रहे हो तो ट्राई करो कि डू नॉट डू इट अलोन, ट्राई टू हैव अ फ्रेंड विद यू, और थोड़ा वो मतलब एक दूसरे की गलती को रेक्टिफाई करें, क्योंकि किचन इज अ सेंसिटिव एंड डेंजरस प्लेस ऑल्सो. यहाँ पे हो सकता है आपसे गैस खुला रह जाए या फिर कुछ आपके ऊपर गिर जाए, तो उस केस में यू नीड हेल्प. और ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ साथ ही साथ कुकिंग कर रहा हूँ, इस तरीके की चीज बिल्कुल मत करना अगर पहली बार कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा फोकस हिलता है. मतलब अभी मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था टाइम मैनेजमेंट में, कि मुझे माइक सेट करना, माइक को चार्ज करना जो कि चार्ज नहीं था, क्वालिटी ठीक से आ रहा है या नहीं, फोन को कहाँ मैं प्लेस करूँ, दिस ऑल थिंग्स. तो देखो यार मसालों में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा हल्दी डाल देंगे, ये थोड़ा धनिया पाउडर था, लाल मिर्चा मैं नहीं डालता, मैंने बताया मेरे से स्पाइसी ज्यादा हैंडल नहीं होता, और जीरा है थोड़ा सा, बस दैट्स इट. अब उसको आपको वेट करना कि कब वो उबल जाए. 5-10 मिनट पकाओगे वो, इट्स ऑल डन. फिर उसके बाद में लास्ट में क्या करूंगा, इस अंडे को छिलके उसे मिला दूंगा एंड मेरा खाना वही हो जाएगा. थोड़ा सा टेस्ट के लिए कभी कभी आई पुट दिस मैगी मसाला. बहुत ज्यादा ही छोटा इसका होल है. इसको यहां रखते हैं यार, फ्रिज में मसाला रखने से ना अच्छा नहीं रहता, ये गलतियां बहुत होती हैं. अभी देखो ये अंडा यहाँ हमारा रेडी हो रहा है, दलिया कुछ ऐसा दिखने लगता है व्हेन यू पुट ऑल द हल्दी एंड एवरीथिंग. अब जो है कुकिंग कह सकते हो कि एक स्टैंड बाई मोड पे चला गया है. अब ये हो रहा है, अब साथ ही साथ एक चीज और, जैसे मान के चलो हो सकता है वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालना चाहो, या फिर जो कपड़े डले हुए हैं बालकनी में उसे निकालना चाहो अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड टाइमिंग. ये लोग क्या बनाए देखे थोड़ा. ओके
टेस्टी खाना। तो बैक इन माई रूम, और अब मैं लैपटॉप में थोड़ा सेट करूँगा सारी चीज़ें, मतलब जो भी कंपोनेंट्स पढ़ने के लिए है। अभी इधर से थोड़ा लाइटिंग अच्छा आएगा। हाँ, तो आपने देखा कि कितना आसान था वो, पर आप बोलोगे यार खाना टेस्टी भी तो नहीं था। दैट्स इट यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और यही है लाइफ हमारा। सॉरी फॉर द मैस। वो सबको भी आपको मैनेज करना, सोचो सारा क्लीन, सारा नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, सब अरेंज्ड होना चाहिए, बिकॉज यू आर लिविंग लाइक ए ह्यूमन, राइट? तो कम बेसी होता रहता है लाइफ में, अकेले ऐसे ही मैनेज कर। रियलिटी यही है, कई बार आपका बेड ऐसा भी दिखता है, कितना भी मैं छुपा लूँ मैं दिखाई देता हूँ, क्योंकि आपको एक पेयर प्रेशर नहीं आना चाहिए। दिस चैनल इज अबाउट हाउ डू यू लिव इन अ बेस्ट वे, समझ रहे हो ना? हाउ डू यू लिव इन अ बेस्ट वे विथ वॉट यू हैव। सबके पास सब कुछ नहीं होता, बट हर कोई कुछ भी कर सकता है, राइट? तो हम लोग अच्छा करेंगे, हम लोग साफ सुथरे रहेंगे, हम लोग अच्छा खाना खाएंगे। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं बताऊं कि हर टाइम पे क्या मैक्रोस है क्या नहीं है, उन सब चीज़ों का डिटेल चाहिए, तो ऑब्वियसली हम बनाएंगे। अभी इस वीडियो से यही आउटपुट लेना कि किस तरीके से मैनेज हो जाता है। यू कैन गेट अ स्टार्ट कि आप दलिया बना के देखते हैं, चलो ठीक है एक टाइम दलिया खा लेंगे, एक दिन दलिया खा लेंगे, है ना? उससे क्या होगा, आप एक टाइम तो खुद का बना रहे हो, एक टाइम तो अपना हेल्थ के लिए थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना, फिटनेस के लिए आगे बढ़ रहे हो। थिंक अबाउट दैट। चलो गाइस, अब मैं जाता हूँ, कुछ पढ़ाई करते हैं, है ना? और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियोस आपकी फीड पे आते रहे एंड आपको मोटिवेट करते रहे टू डू गुड थिंग्स इन योर लाइफ, राइट? एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।